जय हिंद दोस्तों। हमारी रोज ही जब आजकल सुबह हो रही है हम कॉमन मैन की, तो हमें रोज कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खबर आ रही है, कुछ ना कुछ मैसेज आ रहा है कि भाई फलाने रिश्तेदार का कोई ना कोई सिचुएशन खराब है, किसी को सिलेंडर का रिक्वायरमेंट है, किसी को हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट है। और ऐसे में हम लोग काफ़ी एक्टिव भी हो चुके हैं सोशल मीडिया पे, और काफ़ी सारे मैसेजेस हमको इन यूनिवर्सिटीज से आ रहे हैं, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से, कि ऐसा करिए वैसा करिए। बहुत सारी न्यूज़ें उसमें कि सही भी है जो हमको हेल्प करती है, जैसे कि आजकल वो उल्टा लेटने वाला मैनूवर जो कि कोविड पेशेंट को किया जाता है, दैट इज एक्चुअली बेनिफिशियल, वो आप कर सकते हैं, सारी चीज़ें सही है। बट देर इज समथिंग टू नोट हियर व्हाट्स हैपनिंग अराउंड इन द होल वर्ल्ड। मेरे कुछ फ्रेंड बाहर रहते हैं, अभी भी फंसे हुए, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक फिलीपींस में है, मैं उनसे भी टच में हूँ। यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे मैं हेल्प कर रहा हूँ कई सारे लोगों की, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, कई सारे लोगों को हेल्प किया हूँ। और सभी से अपील करूँ कि आप सब अपने स्तर पर ट्राई करिए, आपके पहचान में, परिवार में या दोस्तों में कोई भी डॉक्टर्स है, कोई भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाले हैं, उनसे टच में रहिए, रोज़ टच में रहिए, उन्हें कोई इरिटेशन नहीं होगा, वो भी पूरे हेल्पिंग मोड में है। पता चलेगा कि कहाँ पे बैठे, भले भले आपके एक स्टेप किसी की भी जान बचा सकता है। ये मुझे एहसास हुआ जब मेरे थ्रू कई सारे लोगों की जान बची, और आप भी करिए। तो जब मैंने बाहर के लोगों से बात किया, तो मैंने उनसे पूछा यार वहाँ सिचुएशन क्या है। एक्चुअली वी कीप ऑन अपडेटिंग ईच अदर दैट व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर, बिकॉज वी डोंट एक्चुअली बिलीव ऑन द मीडिया पार्ट। सो ग्राउंड लेवल पे जो कॉमन मैन कर रहा है उनसे टच में रहकर हमें एक्चुअल सिचुएशन पता चलती है, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, राइट। बाकी तो सब दृश्य है दोस्तों। सो जो मैंने एक चीज़ देखा कि वहाँ पे स्टीम इनहेलेशन का बहुत ज़्यादा एक वैल्यू है, जिसकी वजह से थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल इन अदर कंट्रीज, थोड़ा सा बेटर कंडीशन है हमसे, और काफ़ी बेटर कंडीशन इनफैक्ट, थोड़ा सा नहीं। तो स्टीमुलेशन इनहेलेशन करता क्या है कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी भी पॉलिटिकली बायस्ड कमेंट की तरफ नहीं जाना चाहूँगा, तो मैं वही कहूँगा कि कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, ये इनका कोई रोल नहीं यहाँ पे। ये हमारा सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ है, हमारा सिस्टम एक्सपोज हुआ है दुनिया के सामने और हमारे सामने, कि ये रियलिटी है कई सालों से हमारे यहाँ पे। तो मैं बताना चाहूँगा जो एक्चुअल रियलिटी है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट आई एम एक्चुअली सर्कुलेटेड विद सो मेनी डॉक्टर्स, उनसे मेरा डिस्कशन हुआ है, तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि ये जो नेसल फ्रेंजल एरिया है, यहाँ पे वायरस आके जो नया स्ट्रेन है अभी यहाँ आकर बैठता है, एंड वेन यू टेक स्टीम ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस, तो वो यहाँ जाती है, उसको यहाँ डिस्ट्रॉय करती है। सो वॉट इट डज इज लाइक उसको यहाँ पे पहुँचने से पहले यहाँ पे स्टॉप करती है या उसको कंट्रोल करती है। सो टेकिंग स्टीम इज अल्ट्रा रिक्वायर्ड मेरे भाई बहनों, दवाई से ज़्यादा, ठीक है, दवाई भी कड़ाई भी, सब डायलॉग बाजी हुई, दवाई से ज़्यादा आपको कुछ रिक्वायर्ड है। सो वो है स्टीम टेकिंग, प्लस रोज आप प्राणायाम करो, ठीक है। आप कोई भी, इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी कास्ट, एनी धर्म, एनी नथिंग, इट्स रिलेटेड टू योर बॉडी। रोज ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, रोज आप प्राणायाम करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, ये बहुत हेल्प करता है, और साथ में स्टीम लीजिए। एंड थर्ड फैक्टर जो कोई इसके बारे में बात नहीं करता, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है कि आप अपना पेट साफ रखिए। इन एनी कंडीशन आपको एसिडिटी नहीं होना चाहिए, बिकॉज एसिडिटी इंड्यूसेस म्यूकस फॉर्मेशन, विच इन टर्न इंड्यूसेस योर कफ इश्यूज, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड। चौथा फैक्टर है कि आपको कुछ भी ठंडा नहीं खाना है, चाहे आपको कितना भी इच्छा हो, ठंडा आपको नहीं खाना है, ठीक है। ठंडा मतलब कोका कोला नहीं होता है, ठंडा मतलब कोरोना होता है, ठंडा मतलब कोरोना, ठीक है। इट्स अ न्यू टैगलाइन फ्रॉम माय साइड, एंड इट्स द रियलिटी जो भी मैं देखा हूँ, ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। बिकॉज हम यंग लोगों की कुछ टीम्स हमने बनाई है जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे कि हम सिलेंडर पहुंचवाना, जो भी डीलर से पेशेंट तक, तो जहां तक हो पा रहा हम कर रहे हैं। काला बाजारी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते सर, अपना सिस्टम डेफिनेटली कोलैप्स्ड है। हम खुद के लिए क्या कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप इस इन्फॉर्मेशन को किसी भी डॉक्टर से क्रॉस चेक कराइए, ठीक है। ये काफ़ी हद तक हेल्प करता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको भाप लेनी है, आपको प्राणायाम करना है, ठीक है, आपको अपना पेट साफ रखना है, बाद में जो भी होगा वो तो फिर अब है, ठीक है। आप जो भी मेडिसिन अवेलेबल है, जो सारी तो है, और खुश रहिए। आप टेंशन किसी भी बात का मत लीजिए, अगर आप टेंशन लोगे, स्ट्रेस लोगे कि भाई अब मेरा क्या होगा, पैनिक आप करोगे, मेरे धंधे का क्या होगा, सभी के धंधे डूबे सर, सबके धंधे डूबे हैं, सबका बिजनेस डूबा है, सबके सिर पे तलवार लटक रही है, जॉब्स का क्या होगा, जान है तो जहान है, बच के रहिए, बचा के रहिए और आगे बढ़िए अपने दोस्तों को और सबको लेकर, यही हमें बचाएगा। वी आर दी कॉमन मैन, हमें एक दूसरे की मदद करनी है, हमारी मदद करने कोई नहीं आने वाला, कोई भी नहीं, ठीक है। हमारे परिवार से कोई एक भी मरा, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है,
हमारी दुनिया बदल जाएगी दोस्तों। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और जो हमारे डॉक्टर्स हैं इनकी इनकी आप इज्जत करिए, ठीक है। जो अपर लेवल पे कुछ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, पर जो ग्राउंड लेवल पे जो डॉक्टर्स लोग यार मदद कर रहे हैं हमारी, ठीक है, उनकी जान कितनी जोखिम में। मेरी रोज बात होती है अलग अलग डॉक्टर से, परेशान हुए, थक गए, वो आगे के थर्ड वेव के कारण टेंशन की भी वो ना आ जाए, हमें वो रोकना है। और हम इसमें अगर कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट ना करें, बस ये बोलते रहे कि भाई फलाना पार्टी ऐसी, फलाना ये, हमका ढिमका, नहीं नहीं नहीं, भूल जाइए सब सब भूल जाइए, कोई मतलब नहीं इन सब बातों का, ठीक है। हमें आपस में रिलेशन अच्छे रखने हैं, अपने दोस्त भाइयों से करीब करीब होना है। इसके लिए आप क्रिएटिव एस्पेक्ट सामने लाइए, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज में आइए, प्लांटेशन करिए। सबसे अच्छी बात आप मोटिव ये है कि भाई आप प्लांटेशन करो, हमारी जनरेशन को नहीं मिला, हमारी आगे की जनरेशन को ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ेगी, वातावरण अच्छा होगा, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी दोस्तों। दिस इज द हाई टाइम टू थिंक। मैं हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम भी करता हूँ और आपको रिक्वेस्ट भी करता हूँ। जय हिंद।